गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन सेकंड, चिल्ड्रन एट वर्क, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 11, फ्रॉम पेज नंबर 11, नाइन्थ लाइन फ्रॉम लास्ट. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. हमने अभी तक जो स्टोरी पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा कि एक लड़का है 11 ईयर्स का, वेलू. वह घर से भाग जाता है और कन्याकुमारी एक्सप्रेस से चेन्नई पहुंच जाता है. वहां उसको एक लड़की मिलती है, वो पहचान लेती है उसको कि ये घर से भागकर आया है. वो जो लड़की है वो प्लास्टिक कप या प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करती है, एक बोरी है उसके पास. और फिर जब वो उसको पहचान लेती है तो वो एक तरह से उसको ऑफर करती है कि मैं तुम्हें खाना दिला सकती हूँ, और उसको फिर वो लेके चल पड़ती है, बहुत दूर उसको ले जाती है. वेलू जो है वो थक जाता है, दो दिन से वैसे भी उसने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए वो अभी इंतजार कर रहा है उसके पीछे पीछे चलते हुए कि खाना कितनी दूर है. इससे आगे स्टोरी अब हम पढ़ेंगे. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग एक घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. वह एक बड़ी सी बिल्डिंग के मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने खड़े हो गए, रुक गए. और इस बिल्डिंग का नाम था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. रेड वेलू स्लोली, वेलू ने मतलब धीरे धीरे इसको पढ़ा. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और उसके ऊपर फूलों से कुछ लेटर्स बने हुए थे. एक साइन बोर्ड था, उस पर लेटर्स से लिखा हुआ था, अक्षरों से लिखा हुआ था, ग्रूम जे वी विन्यागन. विन्यागन यानी कि जो दुल्हे का नाम था वो जे वी विन्यागन था, और ब्राइड यानी कि दुल्हन का नाम था रानी. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बाहर पार्किंग में लगी हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों को घूर के देखा वेलू ने. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, उनमें से एक कार के ऊपर फूलों की मालाएं लगी हुई थी, एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर फूल, गुलाब के फूल चिपके हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली, पुल्ड ऑफ मीन्स खींच लेना एकदम से, और जल्दी से उसने उनमें से एक को उतार लिया. एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में उसको लगा लिया. कम ऑन सी सेड, और फिर उसने कहा कि आओ. आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क वेलू, वेलू ने पूछा कि हम यहाँ खाने वाले हैं. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़े से हॉल को देखते हुए और उसके अंदर जो लोग थे उनको देखते हुए वेलू ने पूछा कि क्या हम यहाँ खाने वाले हैं. होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, यानी कि वेलू की नाक के नीचे अपने अंगूठे को हिलाते हुए, थंब को हिलाते हुए उसने कहा कि तुम उम्मीद करते हो. सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और फिर वो उसको हॉल के पीछे ले गई. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवर फ्लोइंग विद रबिश, और वहाँ पे एक बड़ा सा कूड़े का, कचरे का एक डिब्बा था जो बिल्कुल कूड़े से ओवरफ्लो यानी कि ज़्यादा ही भरा हुआ था. टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल मीन्स ढेर, दो बकरियाँ ढेर पर खड़ी हुई थी. फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, केले के एक पत्ते के लिए लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज यानी कि मक्खियों का एक झुंड बज्ड, भिनभिना रहा था. अराउंड देयर लेग्स, उनके टांगों के चारों तरफ. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में एक बिल्कुल सड़न जैसी दुर्गंध थी. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की ने कुचला हुआ स्क्वैश किया हुआ बनाना, केला उठाया. एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और इसको वेलू को हेल्ड यानी कि पकड़ा दिया. हियर इज योर फूड, यहाँ तुम्हारा ये खाना रहा. वेलू वो शॉक्ड, वेलू एकदम से हैरान हो गया देखकर उसको. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाने वाले हैं. छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग, यानी कि तुम क्या मुझे एक डॉग समझ रही हो. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो केवल अनटच मीन्स बिना टच किया हुआ फूड ही खाता हूँ. हियर सम मोर कैच, और फिर लड़की ने और पकड़ा दिया उसको कि कुछ और है, इसको भी पकड़ो. सी थ्रू हिम अ वड़ा, एक वड़ा उसने उसकी तरफ फेंका. वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, और वेलू ने उसको ऐसे देखा जैसे कि उसको अच्छा ना लगा हो. कम ऑन हीरो, ईट इट, और फिर आगे वो लड़की बोली कि हीरो आओ और इसे खा लो. यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम सोचते हो कि मुझे ये सब पसंद है.
आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ लूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, और ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, यानी कि ये तुम्हारे लिए ये खाना अच्छा होगा जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आ जाते। वेलू हेजिटेटेड, वेलू थोड़ा झिझका, मतलब उसने थोड़ी हेजिटेट किया, बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, पर उसका जो पेट था वो एक तरह से बहुत पेन कर रहा था, एक दर्द हो रहा था उसमें क्योंकि वो भूखा था। ही गल्प डाउन, गल्प होता है निगल जाना, द बनाना एंड वड़ा, वो केला भी और वड़ा भी दोनों को निगल गया वो। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमिजिएटली, और उसके पेट ने तुरंत ही बहुत अच्छा महसूस किया। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, और वो अभी भी कम से कम 10 गुना ज्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more, पर लड़की को सिर्फ एक और केला मिला, 1 more बनाना, विच शी एट हर सेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, और फिर वो लड़की बोली वेलू को कि ये तो अभी बहुत जल्दी है, अभी तो उन्होंने केवल टिफिन खाया है। टिफिन का मतलब है यहाँ पे जैसे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा लेना, जैसे स्नैक्स वगैरह। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो आपको तो तुम्हें यहाँ वेट करना पड़ेगा जब तक वो अपना लंच फिनिश नहीं कर लेते, ख़त्म नहीं कर लेते। यू कैन वेट If you want, अगर तुम चाहो तो इंतजार कर सकते हो। I have to work, मुझे तो काम करना है। I am going, मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap, ढेर यानी कि उस ढेर में से उसने 2 बोतल उठाई, and threw it into her sack, और अपने उस बोरे में उनको डाल लिया। Then she walked off, और फिर वो चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। He realized that, उसने महसूस किया, इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर लड़की ने उसको छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, तो उसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ था एंड वट टू डू, और उसको क्या करना था। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये अच्छा होगा कि वो उसके साथ ही रहे। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, और उसको लगता था कि उसे हर रास्ता पता था। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और फिर वो दोबारा से फिर उसके पीछे भागा। ए ही कॉल्ड, उसने उसको पुकारा कि हे, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि उसको लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, हरिंग मतलब जल्दी जल्दी उसके पीछे भागते हुए वेलू ने पूछा। सी स्टॉप्ड, वह रुक गई, एंड टर्न्ड अराउंड, और पीछे मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बिन फॉलोविंग मी अराउंड विदाउट इवन नोविंग माई नेम, यानी कि तुम मेरे पीछा कर रहे हो इतनी देर से, यहाँ तक कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। और फिर वो बोली जया, यानी कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोविंग यू, फिर वेलू कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो तब क्या कर रहे हो। हु गोट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, वेलू ने पूछा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट यानी कि अगर तुम चाहो तो आ जाओ। दिस बैग इज फुल, ये बैग अब भर गया। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, और अब मुझे घर जाना है एक और बैग लेने के लिए। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। What is she referring to? Second part is, what does she mean when she says, if you are not careful? She says something a little later, which means the same. Find that sentence. Third, where did the girl lead Willu to? Second part, what did they get to eat? And fourth question, what works did she do? Think of a one word answer. So the answer of these questions will be discussed tomorrow. And you have to read this lesson only. Thank you.